अगर मानसिक रोगों से मुक्ति मिलनी है तो आज अभी जिस तरह आपके डॉक्टरों ने स्वीकार किया, अभी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टरों ने, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ने भी स्वीकार करना शुरू किया है कि असाध्य से असाध्य मनोरोग अगर मिटाना है तो ये सूर्य आपको फलदायी या लाभदायी। तो पहले आपको ये 3 महीने में मानसिक स्वास्थ्य या अगर आपको छोड़ रहे हैं, अगर आपकी इच्छा फिर मानसिक तंदुरुस्ती के है तो आप सूर्य दर्शन यहां छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना ही करना है जो कुछ मिला है हमेशा के लिए आपके साथ बना रहे। 1-5 मिनट का सूर्य दर्शन 1 बरस के लिए जारी रखिए, फिर कभी भी आपको मानसिक व्याधि नहीं है। प्रश्न आएंगे, प्रश्न तो आने वाले, लेकिन प्रश्न आएंगे तब इसकी कमान नहीं छिटकी, मन विचलित नहीं होगा, मन का स्वास्थ्य बना रहेगा, आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। प्रश्न अभी जिन में शारीरिक रोग है वो इस प्रयोग को बढ़ाया जाए। कलर थेरेपी रंग चिकित्सा पद्धति पुराने जमाने से चली आ रही है, भारत में थी, ग्रीस में ज्यादा थी, थेरेपी अपोलो थेरेपी बोलते हैं, साउथ अमेरिका में पिरामिडों के द्वारा चिकित्सा होती थी। तो इस सूर्य की जो अलग अलग रंग है, जामनगर में एक शोले रंग था जो ये रंगों की चिकित्सा के लिए जिसका उपयोग होता था पहले, अब तो वो नहीं चल रहा है। क्रिस्टल्स पिरामिड्स है, प्रिज्म्स है, ऐसी अलग अलग रंगों की शीशियों में पानी भर के लोग धूप में रखते हैं और फिर पीते हैं औषधि रूप में, तो उसका भी आसान तरीका मैंने बनाया है कि हमारी जो आंख है वो एक छोटा सूर्य है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आंख को सूर्य बताया गया है। 7 रंग जो सूर्य में है वो मनुष्य की आंख में है, रेनबो, मेघ धनुष, इंद्र धनुष मनुष्य की आंख में है। आप तो प्रतिछाया देखते हैं रंगों की, मेघ धनुष बारिश के दिनों में आसानी से, अभी भी मैं आपको बता सकता हूं मेघ धनुष। आप थोड़ा मुंह में से थूक फेंकेंगे, अगर प्रकाश उसमें से पास होगा तो आप सब रंग देखेंगे। कभी आप बगीचे में जाते हैं वहां फाउंटेन्स रहेंगे, फव्वारे रहेंगे, तभी आप देखिए आपको मेघ धनुष गिरते हुए पानी में देखने को मिलेगा, जो आपकी आंख में है प्रतिबिंब, प्रतिछाया आप देखते हैं। तो आंख के अंदर 7 रंग है, सूर्य और आंख के बीच में साम्यता है। तो आंख सब रंग पकड़ेगी और जब आप सूर्य दर्शन करते हैं 5 सेकंड बढ़ा दिए जाते हैं तब आपको इतना ही सोचना है कि ये सूर्य प्रकाश मेरे शरीर के जिस भाग में रोग है, दर्द है, पीड़ा है, वेदना है, वहां जा रहा है, वो ऑटोमेटिक वहां स्वयं जाए। ये हुई आपकी रेखी प्राणी की, दूसरा क्या है रेखी और पानी मिली में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे प्रकाश जाएगा आपकी हिलिंग होती जाएगी। मैं भारत की एक पद्धति बताऊं, खास करके गुजरात में मैंने बहुत देखी है। जब छोटे बच्चे दादी माँ नानी माँ के पास आते हैं, पाए रखते हैं, तो ये बुढ़ी माताएं क्या करती है, दुखड़ा लेती है, देखा है आपने, ऐसा दुखड़ा लेके यहाँ आके ऐसे अचानक ये क्या हुआ, इन बुजुर्गों ने वात्सल्य भाव से दुखड़ा मीन उनके सब दुख ले लिए। लेकिन ये भी जमाने की पहुंचेली थी, होशियार थी दूसरी बात, अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं जानी चाहिए, उसका तो दुख ले लिया मुझे भी क्यों पड़ा था, तो यहां से टचाके से निकाल दिया। फिर दिया आशीर्वाद हीरे की, तो आपकी प्रार्थना के माध्यम से भी आप कोई भी रेखी कर सकता है। किसी के लिए भी अच्छा सोचिए, प्रार्थना कीजिए, फले
तो यहाँ आप देखते हैं प्रकाश आता है, सोचते हैं प्रकाश अंदर जाता है, 6 महीना 30 मिनट पर आप पहुंचे, आपके कैंसर है, एड्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है, डायबिटीज है, कुछ भी रोग होने दीजिए, सब पे नियंत्रण। और मैं दावा कर सकता हूं कि स्पेन के अंदर आज एक एक गांव में मेरा नाम सब लोग जानते हैं, क्योंकि वहां के कितनी स्त्रियों का, बहनों का ब्रेस्ट कैंसर इस सूर्य दर्शन की पद्धति के द्वारा हुआ। स्विट्जरलैंड में हार्ट के केसेस के, और अब केरला जहां मैं कलिकट में रहता हूं, जैसे कि मैं गुजरती हूं, जन्म महाराष्ट्र में बोधवर बुद्ध का जो है ना बोधवर गांव, जहां से हमारे प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल भी उसी गांव से आते हैं। तो वहां एक बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर है विपिन दास, मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर, उनको हार्ट के ब्लॉक्स थे, डायबिटीज था, आस्मा था, सब रोग थे। इस प्रयोग में गया, 20 वर्षों के बहुत उपचार उन्होंने किए, इस प्रयोग में जाने के बाद 6 महीने में संपूर्ण राहत मिली। और मलयालम मनोरमा करके एक मलयालम का बड़ा पेपर निकलता है, जिसका एक मैगजीन है आरोग्य, उसमें नवंबर इश्यू में उनका एक 4 पन्ने का बड़ा लेख है। और इंटरनेट पे एक डॉक्टरों की वेबसाइट है मैकोला.com, डॉक्टर ग्रुप है, वो सब जितने जितने टेस्टिमोनियल्स इस सूर्य की पद्धति के द्वारा आते हैं उन पे डालते जाते हैं, और आपको बहुत से टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे। तो कैंसर, एड्स, और अगर इसके साथ सूर्य दर्शन के साथ सूर्य स्नान को भी थोड़ा बहुत जोड़ दीजिए। जब हल्की धूप है, जिस तरह सर्दियों के दिनों में आप आधा पौना घंटा सूर्य की धूप लेते हैं, तो हल्की धूप है पहने हो सके तरह कम से कम वस्त्र, अगर डायबिटीज है, कैंसर है, एड्स है, तो जरूरी है जितने वस्त्र कम, हल्की धूप आधा पौना घंटा लीजिए। अगर कोई शरीर के कोई भाग में दर्द है तो वही भाग को खाली आप ताप दीजिए, तो आपके दर्दों के लिए अच्छी औषधि सूर्य दर्शन और सूर्य स्नान साबित होगा। जैन धर्म में भी आतप और आताप ना करके दो सिद्धांत महावीर ने बताए, आतप संकेशिंग सूर्य दर्शन, आताप सूर्य स्नान। और उसके साथ अगर सूर्य ने बनाया हुआ पानी पीना शुरू कीजिए, तो एक गारंटी है आपको, आजकल पैसे लेके भी कोई आपको गारंटी नहीं देगा, लेकिन यहां बिना निःशुल्क है फिर भी गारंटी है। अगर पानी भी पीना शुरू करेंगे तो आपको असाध्य रोगों में संमुक्ति मिलती। जो पानी तेज जल आप पीते हैं, पहले उनको सुबह को उबालिए, थोड़ा ठंडे होने के बाद कांच के बर्तन में सरल में सफेद कांच के पारदर्शक बर्नी या तो कांच की शीशियों में 1 या 2 लीटर भर के ऊपर ढक्कन डाल के धूप में रख दीजिए, 2 लीटर से ज्यादा नहीं, जितना पानी कम इतना उसके सूर्य की ऊर्जा उसमें से अच्छी आपको पानी के माध्यम से मिले, सब तरफ पानी गर्म हो जाएगा। थोड़ा ठंडा होने के बाद जो भारतीय रेफ्रिजरेटर है